हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू दिपेनिज्म। आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू डिस्कस अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन एंड दैट इज एस्केरियासिस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिलारियासिस, आज हम लोग एस्केरियासिस का डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद अवर डिस्कशन। सो एस्केरियासिस जो इन्फेक्शन है, दिस इज ऑल्सो अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन। इट्स एन एंडोपैरासाइट और वही फॉर्मेट को यूज़ करते हुए जो हम लोग ने अब तक यूज़ किया है, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। तो यहाँ पे जो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दैट्स अ राउंड वर्म, अगेन इट्स अ नेमाटोड वर्म, येस, सो इट्स फ्रॉम नेमेटहेलमिंथस एस्केलमिंथस एंड दैट राउंड वर्म इज नोन एज एस्केरिस। एस्केरिस और स्पीशीज जो है दैट इज लम्ब्रिकॉइड्स। तो एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एस्केरियासिस। ओके, प्रीवियसली हमने पैरासाइटिक इन्फेक्शन फिलारियासिस डिस्कस किया था, वहां पे भी हमने बहुत सारे वर्म्स के टाइप पढ़े थे। यहाँ पे ये एक ही मेन राउंड वर्म है विच इज कॉजिंग द एस्केरियासिस इन्फेक्शन। नाउ टारगेट ऑर्गन जो है इस इन्फेक्शन का, सो टारगेट ऑर्गन इज मेनली द स्मॉल इंटेस्टाइन। पेशेंट का स्मॉल इंटेस्टाइन इज द टारगेट जहां पे ये वर्म पैरासाइटिकली अपने आप को लॉन्च कर लेगा, बिकॉज हम लोग को पता भी है इनके पास हुक्स होते हैं, सकर्स होते हैं जिससे वो सब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा आपको और एक टारगेट ऑर्गन याद रखना है कि ये वर्म्स पहुंच जाते हैं लंग्स तक एंड लंग्स में मेनली इनका मेच्योरेशन होगा। सो देर आर मेनी लार्वल स्टेजेस और वो लार्वल स्टेज अलग अलग जगह पे माइग्रेट करते हैं, फाइनली रीचेस अप टू द लंग्स। तो लंग्स के एल्वियोलाई में इसका मेनली मेच्योरेशन होगा। मैं लंग्स के अंदर एल्वियोलाई लिख देते हैं, तो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में इनका मेच्योरेशन होगा, दैट इज ऑल्सो टारगेट ऑर्गन। इवन इट मे रीच अप टू द ब्रेन, येस, देर आर सर्टन केसेस जहाँ पे ये न्यूरॉन्स को भी डैमेज कर देते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूरोसिस्टिसार्कोसिस। ऐसे भी कुछ केसेस है जहाँ पे पेशेंट का मेमोरी वगैरह भी इफेक्ट, उसका मेमोरी वगैरह पे भी इफेक्ट पड़ता है, तो ब्रेन तक भी पहुंच जाता है। सो दिस आर दी वेरियस टारगेट ऑर्गन्स बिकॉज इट माइग्रेट्स, द वर्म्स लार्वल स्टेजेस माइग्रेट्स टू वेरियस पार्ट्स। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे ये स्प्रेड होता है, तो यहाँ पे कोई भी वेक्टर इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मलेरिया में एनोफिलिस मस्किटो था, हम लोगों ने फिलारियासिस में भी मेंशन किया क्यूलेक्स मस्किटो, यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं है। मतलब आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पे देर इज ओनली अ सिंगल होस्ट एंड दैट सिंगल होस्ट फॉर दिस पैरासाइट इज ह्यूमंस। तो सिंगल होस्ट ही है, ह्यूमंस है। तो ये एंटर कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, बिकॉज ऑफ इट स्प्रेड्स बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। Yes, it spreads by contaminated food and water. जहाँ पे आप लोगों को पता रहेगा कि छोटे बच्चे मिट्टी में बहुत खेलते हैं, तो ये soil में इसके ये worms के eggs में भी present. So ऐसे जो eggs रहेंगे mainly the fertilized eggs. तो fertilized eggs वो मिट्टी में, कुछ बच्चे मिट्टी खा लेते हैं, they eat up clay और something, तो उसकी वजह से उनकी body में enter करते हैं। या फिर ये जो eggs होते हैं fertilized eggs, वो बच्चों के नाखून में lodge हो जाएंगे and because it gets inserted into the nails, जब भी बच्चे कंज्यूम करते हैं खाना तभी वो इन्फेक्टेड eggs भी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ये ऐसा एडल्ट में भी हो सकता है बट यूजली ये छोटे बच्चों में इन्फेक्शन देखा जाता है, कृमि रोग उसको बोलते हैं। मतलब बचपन में काफी लोगों को ऐसे बच्चों को होता है। तो yes, fertilized eggs बॉडी में आ जाए थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो उसके इंजेशन की वजह से वो एग्स बाद में हैच होगा, उसका लार्वा बनेगा इंटेस्टाइन में एंड यस इन्फेक्शन स्टार्टअप हो जाएगा। देन नेक्स्ट आएगा साइन एंड सिम्टम्स। तो कैसे हम लोग डिजीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को एस्केरियासिस है, देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज जैसे जैसे ये एडल्ट वर्म बन जाएगा इन द लंग्स, वो वापस से लंग से पूरा जर्नी ट्रैवल करके इट रीचेस अप टू द ट्रकिया से वापस से वो फैरिंग्स, ईसोफेगस और इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। और एडल्ट वर्म जो है इंटेस्टाइन में पहुंच के इट कैन ले अप टू 2 लाख एग्स। जो फीमेल एडल्ट वर्म होंगे वो 2 लाख एग्स पर डे प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड उस वजह से देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ लाइव वर्म्स इन स्टूल्स एज वेल। तो स्टूल टेस्ट में भी हम लोग को आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, वर्म्स जो एग्स होंगे वो हैच होंगे और लाइव वर्म्स का प्रेजेंस देखने मिलेगा इन द स्टूल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस ये इंटेस्टाइन में पैरासाइटिकली इन्फेक्ट कर रहा है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेगा, सो पेशेंट को जो सिम्टम्स आएगा दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट। पेशेंट विल एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट एंड
एक्सपीरियंस पेन इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइनल एरियाज. उसके अलावा द पेशेंट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस डायरिया. डायरिया के अलावा पेशेंट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस वॉमिटिंग. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस लंग्स में भी ये पहुंच रहा है, सो पेशेंट विल एक्सपीरियंस पल्मोनरी सिम्टम्स एज वेल एंड और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एज वेल. सो पल्मोनरी या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी पेशेंट में देखने मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वो वर्म जो है वो कहाँ कहाँ पे माइग्रेट हो रहा है. इसीलिए ये पल्मोनरी सिम्टम्स में वगैरह जो रहेगा तो उसमें न्यूमोनाइटिस हम लोग बोल सकते हैं, न्यूमोनिया लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, ऐसा पेशेंट में ऑब्जर्व करने मिल सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर हो सकता है जब भी हम लोग ब्लड रिपोर्ट लेंगे तो पेशेंट का इओसिनोफिल काउंट बढ़ जाएगा. सो इट इज नोन एज इओसिनोफिलिया. मैंने जब भी डब्ल्यूबीसीएस का डिस्कशन किया तो हम लोगों ने बताया है कि इओसिनोफिल काउंट नॉर्मली पैरासाइटिक इन्फेक्शन में बढ़ता है. तो यस, ये एस्केरिस इज अ पैरासाइट, तो इओसिनोफिलिया पेशेंट में होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन ल्यूकोसाइटोसिस, पेशेंट का ओवरऑल डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाएगा एंड इओसिनोफिलिया इज गोइंग टू बी द मेन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. तो इससे हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. तो ये सब साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा. अभी इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हम लोग को है अवेलेबल, सो ट्रीटमेंट कैन बी डन बाय प्रिस्क्राइबिंग सर्टन मेडिसिंस लाइक टैबलेट मेबेंडाजोल, टैबलेट मेबेंडाजोल या फिर टैबलेट एल्बेंडाजोल. तो मेबेक्स एंड एल्बेक्स नाम की दवाइयाँ आती है, तो ये टैबलेट मेबेंडाजोल एंड एल्बेंडाजोल, अभी तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है बट दिस आर द मोस्ट रूटीनली प्रिस्क्राइब, जिनको इन जनरल हम लोग बोल लेते हैं एस्केरिसाइड्स. एस्केरिसाइड्स, साइड्स मतलब टू किल, तो एस्केरिस, एस्केरिस लंबरेगोइड्स को मारने के लिए एस्केरिसाइड्स प्रिस्क्राइब कर सकते. प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो हम लोग को पता है कि जिस वजह से बीमारी स्प्रेड हो रही है उसको हम लोग को प्रिवेंट करना है. तो स्प्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. सो बेसिकली वाटर में तो आप लोग को समझ में आ ही गया कि बॉइल्ड वाटर पेशेंट को कंज्यूम करना चाहिए. यस, सभी को कंज्यूम करना चाहिए सो ऐसा कोई इन्फेक्शन ना हो. कंटामिनेटेड फूड से भी हो रहा है, मतलब दी वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड एंड cooked properly, should be washed and cooked properly, and even washing of hands with soap and water and after using toilet. एंड ये सब उन्होंने मेंशन किया था, ऐसे हम लोगों ने अम्बीविक डिसेंट्री के लिए भी मेंशन किया था. तो सिमिलर टाइप के प्रिवेंटिव मेजर्स है जो फॉलो करना है सो दैट द डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड. इनफैक्ट बच्चों के लिए तो नेल्स शुड बी कट, नेल्स कट करेंगे तो ही वो सब वहाँ पे जर्म्स वगैरह जमा नहीं होंगे, ये जो वर्म्स के एग्ज है वो सब जमा नहीं होंगे. सो दिस आर द डिस्कशन अबाउट द एस्केरियासिस. नाउ एस्केरिस वर्म जो है, आप लोग को याद रखना है कि एस्केरिस वर्म जो है इट शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. ये आपको और एक पॉइंट याद रखना है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये आप लोग किंगडम एनिमल में पढ़ते हैं, जहाँ पे मेल वर्म एंड फीमेल वर्म जो रहेंगे वो दोनों सेपरेट है, सेक्सेस आर सेपरेट, जिसमें मेल वर्म जो होता है इट इज कंपेरेटिवली शॉर्टर, नैरोअर एंड इट हैज अ कर्व्ड पोस्टियर एंड विद अ पेयर ऑफ पीनियल सीते, जबकि जो फीमेल वर्म होते हैं दे आर मच लॉन्गर, दे आर ब्रॉडर विद अ स्ट्रेट पोस्टियर एंड. तो यस, ये एस्केरिस का ऐसा अपियरेंस भी देखने मिलता है. तो ये जब एडल्ट फीमेल वर्म बन जाएंगे दे कैन ले मेनी एग्स, जो एग्स बाद में फाइनली फर्टिलाइज हो सकते हैं, फर्टिलाइज एग्स वो कंज्यूम करे जब भी जो पेशेंट रहेगा उसके फीकल मैटर की तो रिलीज होगा और वो कंटामिनेट कर सकता है फूड एंड वाटर को और वो वापस से ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पेशेंट. तो इसीलिए और एक प्रिवेंटिव मेजर भी ये हो सकता है कि डेफिकेशन, डेफिकेशन इन ओपन स्पेसेस हैज टू बी अवॉइडेड. डेफिकेशन इन ओपन स्पेसेस हैज टू बी अवॉइडेड क्योंकि पेशेंट, इन्फेक्टेड पेशेंट के एक्सक्रीटा से ये स्प्रेड हो सकता है. तो वैसे भी जैसे अभी इंडिया में तो ये सब लागू हो ही गया है स्वच्छ भारत अभियान, तो ये सब तो फिलहाल नहीं होता है बट फिर भी ये ओपन स्पेसेस कहीं पर अगर रूरल एरियाज में कहीं पर होता हो तो ये भी अवॉइड होना चाहिए. सो ये हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया अबाउट पैरासाइटिक इन्फेक्शन एस्केरियासिस. स्टे ट्यून्ड फॉर माई फर्दर वीडियोज. दैट्स ऑल फ्रॉम द पेनिज्म.